यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर नालागढ़ से आ रही है, जहां पर बद्दी में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बद्दी में दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ है। नालागढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है और जानलेवा हमला इस दुकानदार पर किया गया। साथ ही आपको बता दें, पीजीआई चंडीगढ़ दुकानदार को रेफर कर दिया गया है और जानलेवा हमला इस दुकानदार पर किया गया। करीब आधा दर्जन लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है और एक दुकानदार जिस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। जेबी सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जेबी सिंह, ज्यादा जानकारी क्या है खबर को लेकर? जी बताना चाहता हूँ, आज सुबह करीबन 9 बजे के आसपास की ये घटना है जी। जब दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा था, उसी दौरान आधा दर्जन के करीब हमला पर बताए जा रहे हैं कि उन्होंने दुकान में घुसकर इस युवक के ऊपर हमला किया गया। हमला तेजर हथियारों और लोहे की राडों के साथ इसके शरीर पर किया गया है, जिससे ये जो पीड़ित दुकानदार है गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको पहले तो बद्दी के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घटना के बाद से ही जितने आरोपी हैं सारे आधा दर्जन के करीब हमला पर बताए जा रहे हैं, जो कि मौका से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। अगर अभी तक पुलिस से बात हो पाई हो तो क्या कुछ वजह सामने निकल कर आ रही है कि किस वजह से ये हमला किया गया? जी बताना चाहता हूँ, हमले का कारण बताया जा रहा है कि कोई पहले इनकी दुकानदार के साथ किसी के कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर ये पूरी घटना हुई है। कोई पुरानी लड़ाई बताई जा रही है इनकी, कोई पुरानी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर इसके ऊपर हमला किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेबी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमले की वजह कहीं ना कहीं जो सामने आ रही है वो पुरानी रंजिश सामने आ रही है।